कुछ ऐसा आई बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, फिर एक और इंटीग्रेशन आ सकता आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, फिर एक और इंटीग्रेशन आ सकता है आई बराबर इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखिए बाबू, ये एक फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स का मतलब होगा आपको ऐसे प्रिपेयर कराना कि फ्यूचर में आपको इंटीग्रेशन से डर नहीं लगे। पार्टिकुलर फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ मैं, यहाँ जितने भी मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन सबको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई थोड़ा अच्छा है, कोई थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन मैं सबको पढ़ा रहा हूँ। सुनिए, अगर इस तीन गो का इंटीग्रेशन कहा जाए और कोई कहे कि इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए, तो कहिएगा डायरेक्ट इंटीग्रेट इसका नहीं होता है, नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका नहीं हो पाएगा। शुरू के लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स का, लेक्चर नंबर 2 में या 3 में हमने बताया होगा इसका इंटीग्रेशन किस मेथड से होता है, इसको समझिए। इसको हमने बताया है कि अगर आई बराबर आपके पास इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स हो जाए और डी एक्स हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और डी एक्स, कहिएगा ये क्या है सर, ये क्लास 10th का फॉर्मूला आपने लिखा। और जब आप इसको थोड़ा सा लेकर के आगे बढ़िएगा इंटीग्रेशन, समझिए सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन डी एक्स, याद आ रहा होगा, तो इसका आंसर होगा टेन एक्स और इसका होगा एक्स इसका के, तो ये आई का मान आ गया। अब कोई कहे कि नहीं हम टेन स्क्वायर को ही इंटीग्रेट कर देंगे डायरेक्ट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आशा करते हैं बात को समझने की कोशिश करेंगे। उसी तरह अगर कोई कहे कि हम साइन स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, तो कहिएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसी तरह कोई कहे कि कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, मतलब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कुछ अलग से फार्मूलाज हैं, उस फार्मूला को आप यहाँ पर जब यूज करिएगा तो ये ऐसे चुटकी में बन जाएगा। देखिए बताते हैं, साइन स्क्वायर एक्स के लिए तुम फार्मूला लिखना वन अपॉन टू, ठीक है ना, वन माइनस कॉस टू एक्स, इतना आप फार्मूला लिख देना। फिर आएगा कि अगर कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला लिखना, या डी एक्स लगा रहे थे, देखो डी एक्स नहीं लगेगा, वन अपॉन टू वन प्लस कॉस टू एक्स। ये दोनों फार्मूला आप सभी बच्चे, एवरीबॉडी, गर्ल्स एंड बॉयज नोट कर लीजिए। नहीं, आई बराबर इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर एक्स, कहिए वाह सर जी, इंटीग्रेशन वन बाई टू वन माइनस कॉस टू एक्स, हम कहेंगे बहुत बहुत अच्छा, बिकॉज इसका उतना होता है, वन बाई टू बाहर, इंटीग्रेशन वन माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स, बहुत अच्छा। फिर कहिएगा वन बाई टू इंटीग्रेशन वन डी एक्स, ये वन बाई टू को बाहर रख दिए हैं, और माइनस इंटीग्रेशन कॉस टू एक्स डी एक्स कंप्लीट। फिर लिखिएगा वन बाई टू इसका एक्स, याद है ना जी, और माइनस साइन टू एक्स बाई टू और प्लस सी। देखो भाई, अब यहाँ पे ये कॉस टू एक्स का साइन टू एक्स बाई टू काहे हुआ, ये तुमको मैं पीछे के लेक्चर में करा चुका हूँ और समझा भी चुका हूँ, प्लीज अच्छे से समझना सब। अब हर समय छोटी छोटी बातें नहीं बताई जा सकती हैं, बता चुके हैं पीछे के लेक्चर में। तो फाइनली इसका आंसर कहाँ लिख दें, इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं, देयर फोर आई बराबर वन बाई टू एक्स माइनस, वन बाई टू से गुना होगा तो वन बाई फोर साइन टू एक्स प्लस सी, ये आपका